अस्सलाम वालेकुम भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं रिश्वत तैयारा। और यार भाई, तीन दिन से इतनी मसरूफियत चल रही है दुकान पे कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। इतनी मसरूफियत के बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। बस आ रहा था मगरिब से दो मिनट पहले और अंदर ही पिंजरे में दाना पानी डाल के मैं जा रहा था। लेकिन आज मैंने पापा बोला, मतलब पापा मुझे जल्दी जाना है, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है तीन चार दिन से और मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रहा। तो पापा ने बोला बस सही है, जल्दी जाओ और आधे घंटे में आ जाना। तो भाई आधे घंटे का टाइम मिला है दोस्तों, उसमें हमें सबका दाना पानी करना है। मैंने अभी कबूतर वगैरह तो खोली दिए, देख सकते हैं आप लोग। इनको फटाफट मैं दाना वगैरह खिलाता हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को फटाफट लाइक शेयर कमेंट्स वगैरह कर दें और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो नीचे बेल आइकन को दबा दें, जल्दी से दबा दें जल्दी से, क्योंकि पता है आप लोगों को मेरी वीडियो में कितना मजा आता है व्यूअर। अभी हमने दाना वगैरह तो बना ही लिया था पहले, मैं इनको दाना वगैरह फैलाते हैं जल्दी से। और एक कबूतर बीमार भी हुआ है दोस्तों, झाड़ में जो है ना बीमारी बहुत आ जाती है यार। भाई यही मसला है झाड़ का ना, कि झाड़ में कबूतर बैठता है ना तो बीमारी पकड़ लेता है। कबूतर उड़ता रहता है तो बीमारी इतनी नहीं पकड़ता, झाड़ में बैठने के बाद कबूतर ज्यादा बीमारी पकड़ लेता है। तो अभी इनको हम लोग दाना वगैरह फैला रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बाकी यार कुछ लोग मेरी वीडियो पे काफी वाहियात गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, तो भाई आप लोग करते रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जिसको पढ़ता होगा, मेरे को बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग कमेंट्स वगैरह करते रहे, अल्लाह पाक आपको और हिम्मत दे। बाकी जो मेरे भाई हैं और जो मुझे बहुत ज्यादा चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो लोग खुद देख लेंगे। मैं किसी को भाई किसी ये गंदे कमेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं दूंगा, मेरी फैमिली खुद निमट लेगी उस बंदे से ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग दबा के करें भाई, जो दिल में आए वो कमेंट्स करें। आप लोग जो मेरी फैमिली है वो तो मुझे अच्छे कमेंट्स करती है, और जो लोग मेरे से जैलिस होते हैं उनके कमेंट्स को फिर अल्लाह माफ करे, बस क्या ही बोलूं। बहरहाल भाई आप लोग करते रहें, उम्मीद है आप लोग मुझसे आगे भी और जलेंगे और कोई मसला नहीं है। बाकी माशाल्लाह दोस्तों कबूतर देखें आप लोग, और माशाल्लाह जरूर बोल दिएगा, देख सकते हैं आप लोग व्यूअर्स मजे मजे से दाना खा रहे हैं ये। अभी यार हमारा एक कबूतर जो है ना बीमार है, उसको भी देखना है, पता नहीं क्या हो गया उसको, सुस्त हुआ हुआ अंदर ही बैठा हुआ, अभी निकला भी नहीं आज बार। इससे हम आप लोगों को एक गाना सुनाते हैं व्यूअर्स, हमारे जो जैलिस है ना उनके लिए, के तुम छुपा ना सकोगे मैं वो रात हूँ, तुम भुलाना सकोगे वो अंदाज हूँ, देखते हो मुझे देखते हो कहाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। आई चावे दोस्तों, यही सीन है भाई। बहुत से लोग जल रहे हैं आपके भाई से, जल रहे भाई, अब ये क्यों जल रहे हैं मुझे नहीं पता। बहरहाल बस जल रहे, ये नहीं पता यार क्यों जल रहे भाई, क्यों जल रहे हो आप लोग, कोई तो वजह होगी जलने की। बहरहाल भाई एक्स वाई जेड कुछ भी हो, हम तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। और बाकी दोस्तों आप लोग मुझसे कितना प्यार मोहब्बत करते हैं ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और बाकी भाई जो मतलब सीन कुछ ऐसा है कि यार झाड़ में जो है ना कबूतर फौरन फौरन बीमारी पकड़ लेता है, तो आप लोग भी फटाफट ना अपने कबूतरों को जो है ना बाजरा धो के दें, जिससे कबूतर बीमारी नहीं पकड़ेगा। और अभी तो फिलहाल भाई बाजरा वगैरह भी जो है ना दोस्तों बहुत खराब आया हुआ है, जिसकी वजह से कबूतर बीमारी पकड़ रहा है। तो भाई मेरी तो यही दरखास्त है कि आप लोग जो है ना जो भी है बाजरा वगैरह पानी के अंदर वॉश करके दें अपने कबूतरों को, जिससे आपका कबूतर कभी बीमार नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ। बाकी मेरे भी अभी दो से तीन कबूतर बीमार हैं, एक तो इसी में घूम रहा जो कबूतर ये देखें खुले में ना, एक इसी में घूम रहा ये वाला, ये बीमार हुआ है देख सकते हैं आप लोग, अलग ही ढीला हुआ है। और एक अंदर पिंजरे से ही बाहर नहीं आया, वो ज्यादा बीमार है, तो दोनों को मैं अभी देखता हूँ फिर बताता हूँ आपको क्या सीन है। बहरहाल जो मैंने बोला वो आप लोग कर लेंगे उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने कबूतर वगैरह बंद कर दिया, अब बारी है कि दूसरे खुलने वालों की, लेकिन पतंगबाज छत पे आ चुके हैं और फुल तैयारी चल रही है, देख सकते हैं आप। माविया भाई आ गए और नमीर भाई आ रहे हैं नहीं आ रहे, ओहो पेट पूजा कर रहे हैं व्यूअर, खाना वाना खा के टायर्ड होकर पतंगबाजी होगी यहाँ से। हाँ लेकिन हम नहीं होंगे, हम फौरन फौरन दुकान पे जाएंगे भाई और फटाफट दूसरे वाले का उधर भी खोल दूं मैं,
इससे पहले कि पापा की कॉल आ जाए और पापा बोले बेटा कहाँ रह गए हो, तो मैंने याले भी कबूतर खोल दिए दोस्तों अपने, तब आ गए क्या? अच्छा भाई एक रह गए थे वो भी आ गए, और ये हमने कर दिया कुछ गेट बंद, कबूतर चेक करें माशाल्लाह। अच्छा देखें ये वाले उड़ रहे हैं ना, तो ये माशाल्लाह सारे ऐप टिकेंगे, वो वाले बैठे हुए तो बैठे बैठे बीमारी भी पकड़ रहे हैं। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, परगटे कबूतर जो होते हैं ना झाड़ के अंदर ज्यादातर बीमारी पकड़ लेते हैं, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, अल्लाह बहुत बड़ा है, आप लोगों ने अच्छे की उम्मीद रख के उनका ट्रीटमेंट करना है, इंशाल्लाह कबूतर सेट हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। चेक करें कबूतर माशाल्लाह घूम रहे हैं फिर रहे हैं ऐश कर रहे हैं, हाय हाय मजे। अब इनको हम थोड़ा सा दाना चखाएंगे, ये सारे के सारे करीब आ गए दोस्तों, दाना देखते ही देख सकते हैं आप लोग। चलो भाई दाना वाना खा लो भाई फटाफट, हुए बच्चा लोग। अच्छा इसमें ज्यादातर बच्चे ही हैं दोस्तों, ये दो सफेद जो है ना ये फजिल भाई को किसी ने गिफ्ट दिए थे, एक वो एक ये, अब पता नहीं इसमें तो शायद वो मादी है, हाँ ये नर है, ये दोनों गिफ्ट दिए थे, तो ये भी हमने ऐसे छोड़ दिए इनमें, बाकी तो पट्ठी हैं हमारे घर के आपको पता ही है, दो से तीन कबूतर इसके अंदर बड़े चुके हैं, बाकी सब पट्ठी हैं, और पतंगबाजी की फुल तैयारी चल रही है देख सकते हैं आप लोग। ओफ वो, और हनी भाई ने भी खोल दिए हैं व्यूअर्स, ये हनी भाई का लश्कर है जरार, ये हमारा भी उठ गया भाई लश्कर, फाइट वाइट हो रही है, ओफ वो व्यूअर्स फाइट भी हो गई उठते ही, और हमने तोड़ मारी, हनी भाई ने उधर से आवाज दी, ये आया हमारा बनारसी घाघरा पट्टा, ओफ वो माशाल्लाह। कोई आया क्या? हाँ ए ये हमारा जंगला गड्ढेदार निकल के आया दोस्तों, दाना देंगे कबूतर को भाई, कबूतर काम करके आ रहा है व्यूअर्स। हमारे खुलते भाई हनी भाई ने भी खोल दिए फोरन फोरन। हाँ तो दोस्तों हनी भाई से तो भाई हाथ पे हाथ फुल फाइट हो रही है, ओम फो फुल दर्राटे वाली फाइट हो रही है, और देख सकते हैं पट्टे वगैरह रुक नहीं रहे, दाना खत्म होते ही सारे के सारे बोल रहे हैं चलो, तो भाई देखते हैं हनी भाई जैसे उठाएंगे फिर हम भी फिर यहीं से उठाएंगे। हाँ भाई हनी भाई उठाओ, हाँ पांच कबूतर और डाल के डाल दिए हैं हनी भाई ने विवर्स लाके, उठा भाई उठा, हाँ जल्दी उठा, हनी भाई ने उठा दिए दोस्तों, अब इधर से हम मारेंगे अपने कबूतरों को। दोस्तों हनी भाई के ही बैठ रहे हैं, ये शराजी बैठ रहा है, नफ्ता बैठ चुका है, शराजी भी बैठ रहा है, पैसा ही पैसा हो गया, रुक जा। अबे ये पकड़ कैमरा पकड़, हाँ कैमरा पकड़, देख उंगली नहीं आई तेरी, आइए दो बेटे में दो, अबे उंगली तो हटा कैमरे पे से, दो बेटे में दो काम है, आओ आओ। ओए ये निकाल, अबे क्या कर रहा है, आवाजें नहीं निकाल, आओ आओ दोस्तों, का उतर समझदार है, लड़ जाएंगे, आओ आओ आओ, दाने तो टूटे हुए लेकिन कबूतर कड़क हुए हैं, आओ आओ यार जाल में ले लूं, आओ 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 आओ
आओ कबूतरों का शिकार ओम पो करण करण हनी भाई के दो कबूतर मान लिया, आ जाओ आ जाओ ये हाँ भाई पड़का के भेगू ऐसी भेगू भाई दोनों का उधर फड़का के फेंक दिए मैंने और नमीर भाई के हाथ में दिया था, इनसे कैमरा नहीं संभल रहा, पता नहीं दोस्तों इन्होंने वीडियो कैसी बनाई है, बार बार तो ये उंगली लेके आ रहे हैं कैमरे के आगे। दोस्तों देख सकते हैं मैंने दाना वगैरह फैला दिया, दो से तीन हवा मैंने और लड़ाया कबूतरों को, उसके बाद फिर मैंने दाना फैला दिया, बाकी फटाफट इनको अंदर करके दुकान पे पहुंचना भाई, फोन कभी भी आ जाएगा पापा का, लेकिन जरूरी नहीं है वो फोन करके बुलाएं, हम उससे भी जा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जिन भाई को जोड़े वाले कबूतर चाहिए वो मुझे कमेंट्स में फटाफट बता दें ताकि मैं कल वीडियो बना लूं जोड़े वालों की। बाकी अपने भाई को दुआ में आ रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अनी भाई के दो कबूतरों का शिकार है, सुलाई के कबूतर पकड़ने में इतना मजा नहीं आता विवेक जितना सैदी के कबूतर पकड़ने में मजा आता है, क्योंकि सैदी के कबूतर का टारगेट ये होता है कि भाई उसका कबूतर जाना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए जी जान लड़ा दो लेकिन उसका कबूतर जाना नहीं चाहिए। बाकी अपने भाई को दो में रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखे, ओके गाइस अल्लाह हाफिज़।